Hello everyone, in this video you will learn to create scatter chart using pyplot module of matplotlib library. A scatter chart is a two dimensional data visualization method. Scatter chart kya hai, ye data ko two dimensional form mein represent karta hai that uses dots to represent the values. Aur ye values ko represent karne ke liye kiska use karta hai, dots ka use karta hai, you can say markers ka use karta hai. Obtain for two different variables, one plotted along the x-axis and other plotted along the y-axis, right? तो जो ये data है वो क्या represent करता है, वो दो variables की value को represent करता है, एक x-axis की एक y-axis की, right? तो यहाँ पे अगर हम इस marker को देखें तो इसकी दो values है, इसकी x-axis की value 1 है और इसकी y-axis की value 2 है. In the same way अगर हम इस marker को देखें तो इसकी x-axis की value 2 है, okay, and इसकी y-axis की value क्या है, 4 है. राइट, तो स्कैटर चार्ट डॉट्स के फॉर्म में और यू कैन से मार्कर्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है. राइट, लाइन चार्ट भी मार्कर्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लाइन चार्ट क्या करता है, लाइन चार्ट में मार्कर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस. राइट, बट इन केस ऑफ स्कैटर चार्ट दीज मार्कर्स आर इंडिविजुअल, दे दीज मार्कर्स आर नॉट कनेक्टेड. राइट, ये मार्कर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते. ओके, scatter plot are used when you want to show the relationship between two variables. तो scatter plots का कहाँ use किया जाता है, जब आप दो variables के बीच का relationship बताते हैं. right, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि इसकी x value क्या है, इसकी y value क्या है, like this. okay, scatter plots are sometimes called correlation plots because they show how two variables are correlated. तो scatter plot को correlation plots भी कहा जाता है क्योंकि दिखाते हैं कि कैसे दो variable एक दूसरे से रिलेटेड है. ओके, अब हम स्कैटर प्लॉट को क्रिएट करते हैं. ओके, इसको प्रैक्टिकली करेंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है matplotlib.pyplot. राइट, matplotlib लाइब्रेरी को हम यहां इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका pyplot मॉड्यूल भी इंपोर्ट हो रहा है एज PLT. राइट, हमने इसका एक एलियस नेम ले लिया है PLT, तो हमें ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा matplotlib.pyplot.scatter function. राइट, हम सिंपल PLT लिख सकते हैं. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेरिएबल्स. ओके, हमें x सीक्वेंस चाहिए और y सीक्वेंस चाहिए. तो यहाँ पे लेट अस सपोज हमने x सीक्वेंस ले ली, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6. राइट, ये आपने x सीक्वेंस ले ली. नेक्स्ट आप लोगे y सीक्वेंस. ओके, वाई सीक्वेंस में ले लेते हैं हम 2, 4 एंड 6. ओके, 8 एंड 10 एंड 12. राइट, ये हमने ले लिया है वाई सीक्वेंस. ओके, ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपली plt.scatter फंक्शन का यहाँ यूज करेंगे, स्कैटर. राइट, और स्कैटर के अंदर आप पास कर दोगे एक्स को, एक्स सीक्वेंस को एंड वाई सीक्वेंस को. राइट, ओके, आप क्या करेंगे, हम टाइटल दे देते हैं अपने प्लॉट को, टाइटल दे देते हैं हम इसको, दे देते हैं स्कैटर प्लॉट, इसका नेम लिख देते हैं स्कैटर प्लॉट. ठीक है, इसके लिए टाइटल फंक्शन का यूज किया है. ओके, और फॉन्ट साइज दे देते हैं इसका, जो हमारा ये हेडिंग आए उसका फॉन्ट साइज हम दे देंगे 15. राइट, नेक्स्ट अब x लेवल एंड y लेवल दे देते हैं. x लेवल plt.xlabel. ओके, x लेवल पे हम दे देते हैं इसको x सीक्वेंस. राइट, ओके, एंड फॉन्ट साइज हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे 15, एंड इसको यहां पे हम पेस्ट कर देंगे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप दोगे plt.ylabel. ylabel हम दे देंगे y सीक्वेंस. ओके, एंड फॉन्ट साइज. राइट, अब हमें क्या करना है, अपने प्लॉट को शो कराना है plt.show फंक्शन से. फाइन, सिंपल, अब देखो इसको एग्जीक्यूट करेंगे. राइट,
ओके नाउ अब ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा स्कैटर प्लॉट आ गया है राइट। तो यहाँ पे देखो आपकी वैल्यूज आ गए इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स और यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ मार्कर्स। ओके फर्स्ट आपकी जो एक्स एक्सिस था वो 1 एंड वाई एक्सिस 2। ओके इस टाइप से वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है आपकी। ओके यहाँ पे आपका एक्स सिक्वेंस आ गया है राइट, एक्स लेवल y लेबल एंड आपने जो टाइटल दिया था चार्ट का स्कैटर प्लॉट वो आपका आ गया है। ओके एंड यहाँ पे क्या है, डॉट्स का डिफॉल्ट साइज है ओके एंड डिफॉल्ट कलर है ब्लू कलर। ओके अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे राइट। तो यहाँ पे हम कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, हम यहाँ पे सी पैरामीटर पास करेंगे और उसमें आप कलर कोड या कलर नेम दे सकते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या है, हमने सिंगल वैल्यू दी है, सिंगल वैल्यू दी है तो उसका क्या होगा, जितने भी आपके डॉट्स हैं वो किस कलर में आ जाएंगे, रेड कलर में आ जाएंगे। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, देखो नाउ सी आपके जितने भी डॉट्स हैं वो एक सिंगल कलर में आ गए क्योंकि मैंने सी वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू इनिशलाइज किया है राइट। अब अगर आप चाहते हो डॉट्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर आए राइट, तो आप कैसे करोगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एक कलर वेरिएबल ले लेते हैं ओके और उसमें लिस्ट ऑफ कलर्स हम स्पेसिफाई कर देंगे। ओके फर्स्ट हमने कर दिया रेड, देन आप कर दो येलो राइट एंड देन हम दे देंगे ग्रीन। ओके देन आप दे दो ब्लू, फाइन ओके देन मेजेंटा, मेजेंटा बिकॉज वी हैव टू गिव 6 कलर्स राइट एंड देन ब्लैक, फाइन। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कलर स्पेसिफाई कर दिया है और अब क्या करना है, सी में हम इसको आर को हटा देते हैं और इसको कर देते हैं कलर वैल्यू। ओके हमने कौन सी दे दिया, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने सी वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। ओके अब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे, लुक एट दिस नाउ सी, आप देखो यहाँ पे कलर्स चेंज हो गए ठीक है, जो आपने कलर दिए थे रेड येलो ग्रीन ब्लू मेजेंटा एंड ब्लैक। ओके आपके डॉट्स के कलर क्या हो गए, चेंज हो गए फाइन। ओके अभी हमने क्या चेंज किया था कलर, नाउ आई वांट टू चेंज द साइज ऑफ द डॉट्स राइट। आपको क्या करना है, साइज चेंज करना है, तो आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे, एस राइट। ये ध्यान रखना है इसके अंदर कलर और साइज पैरामीटर नहीं आएगा, इसके अंदर सी एंड एस पैरामीटर जाएगा ठीक है। तो मैंने एस पैरामीटर इसमें पास किया और वहां पे मैंने साइज दे दिया, लेट अस सपोज मैंने दे दिया 200 पिक्सल्स राइट। इसको अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे फाइन। नाउ लुक यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया साइज डॉट्स का फाइन। अब डॉट का साइज कितना हो गया, 200 पिक्सल्स हो गया डॉट का साइज राइट। नाउ इफ आई वांट, अगर मैं चाहती हूँ कि जितने भी डॉट्स हैं इनका साइज डिफरेंट डिफरेंट है, सबका सेम साइज ना आए, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ओके ओके तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं साइज, कुछ भी ले सकते हैं आप नेम राइट। तो और इसके अंदर मैं वैल्यूज दे देती हूँ, 100 पिक्सल, 200, 300, 400, 500, ओके एंड 600। मैंने ये साइज दे दिया है और यहाँ पे जो मैंने एस वेरिएबल को सिंगल वैल्यू दी थी उसको मैं हटा देती हूँ और इसके वजह मैं क्या करती हूँ, साइज वेरिएबल से इसको इनिशियलाइज कर देती हूँ राइट। ओके अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नाउ लुक क्या हुआ है, साइज आपका चेंज हो गया है राइट। इसका आपका 100 पिक्सल आ गया, इसका 200, 300, ओके 400, 500, 600। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, डॉट्स का साइज चेंज कर दिया राइट। अगर आप चाहते हो राइट कि आपका जो प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है, वो थोड़ा सा क्या है, ब्लर आए फाइन, तो यहाँ पे आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे, आप पैरामीटर पास करोगे अल्फा राइट, ए एल पी एच ए अल्फा। ओके तो अल्फा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 1 होती है। तो आप इसमें कोई भी फ्लॉट वैल्यू यूज कर सकते हो, तो मैं इसको लेती हूँ 0.5 राइट, मैंने अल्फा ले लिया है। ओके नाउ एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको, नाउ लुक एट दिस। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो प्लॉट है राइट, स्कैटर प्लॉट, वो क्या हो चुका है, ब्लर हो चुका है। आप इसको और ब्लर करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको और स्मॉल वैल्यू दे सकते हो। मैंने 5 की जगह यहाँ पे कर दिया 2, लेट अस सपोज मैंने इसको कर दिया 2। ओके तो नाउ लुक एट द पिक्चर, नाउ देखो अब बिल्कुल ही ब्लर हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा है फाइन। तो अल्फा की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो अपने चार्ट को।
नाउ नेक्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या है, मार्कर है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मार्कर के स्टाइल को चेंज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अल्फा हम लोग कर चुके हैं, अल्फा को हटा देते हैं, अल्फा की जगह आप ले लो मार्कर। मार्कर में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मार्कर स्टाइल्स आप दे सकते हो, जैसे एस दे दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, आप ओ दे दोगे तो सर्कल आ जाएगा, ओके, देन यू कैन गिव द ट्राइंगल, डायमंड, प्लस, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या दे देती हूँ, मैं यहाँ पे दे देती हूँ स्टार, फाइन, यहाँ पे मैंने दे दिया स्टार, ओके, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट दिस। नाउ अब यहाँ पे आप देखो, आपके जो डॉट्स था, पहले डॉट्स थे, अब मार्कर्स क्या बन गए, स्टार बन गए। तो हमने क्या किया है, मार्कर स्टाइल को यहाँ से चेंज कर दिया है, ओके ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने मार्कर्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, स्टार बना दिया है। अब क्या करेंगे, हम मार्कर की एज का कलर देंगे, राइट। तो उसके लिए आपके पास क्या पैरामीटर है, उसके पास आप, इसके लिए हमारे पास पैरामीटर है एज कलर, राइट, एज सी ओ एल ओ आर कलर, एच कलर। तो लेट अस सपोज मैं इसकी एच का कलर दे देती हूँ रेड, फाइन। तो मार्कर्स की जो एच है, आउटलाइनिंग है, उसका कलर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। नाउ इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मार्कर की एच का कलर क्या आ गया है, रेड आ गया। ये तो टोटल रेडी हो गया क्योंकि ऑलरेडी रेड था, और बाकी में आप देख सकते हो यहाँ पे एच का कलर क्या आ गया है, रेड आ गया, ओके। अब जो एज है आपकी, ठीक है, आप उसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, जो आप आपके मार्कर्स की एज है, आप उसकी विथ भी इंक्रीज कर सकते हो। उसके लिए हम कौन सा पैरामीटर पास करेंगे, उसके लिए हम पैरामीटर पास करेंगे लाइन विथ, लाइन डब्ल्यू आई डी टी एच विथ, लाइन विथ, ओके। जैसे मैंने लाइन विथ यहाँ पे दे दिए 2 pixels, राइट, और आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखो जो एज थी, ठीक है, उसका क्या है, उसकी विथ इंक्रीज हो गई है, राइट, उसकी विथ आपकी इंक्रीज हो गई। तो आप इसकी हेल्प से क्या दे सकते हो, लाइन विथ पैरामीटर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मार्कर्स की एज की विथ को इंक्रीज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है, सी मैप पैरामीटर है, राइट। तो इसका यूज क्या है, सी मैप पैरामीटर का आपका यूज क्या है, हम लिख देते हैं फिर इसको बताते हैं, ठीक है, सी मैप पैरामीटर, ओके। इसका यूज क्या है, ये आपका क्या प्रोवाइड करेगा, एक कलर मैप प्रोवाइड करेगा, राइट, ओके। और कलर मैप क्या है, कलर मैप इज लाइक अ लिस्ट ऑफ कलर्स, राइट, वेयर ईच कलर हैज अ वैल्यू। कलर मैप इट विल गिव यू द लिस्ट ऑफ कलर्स, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, एक कलर मैप आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे क्या है, जो भी कलर की वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे, वो कलर उस पर्टिकुलर मार्कर में आ जाएगा, फाइन। तो मैं यहाँ पे कलर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, यहाँ पे कलर्स कलर मैप में कलर्स होते हैं 0 to 100, फाइन, ओके। एंड कलर मैप इज कॉल्ड एज, जो डिफॉल्ट कलर मैप होता है उसका नाम होता है विरिडिस, राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विरिडिस, डिफॉल्ट वाला हम यूज करते हैं, ओके। और उसके लिए आपको कलर्स में क्या देनी है, आपको कलर्स में देनी है वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे हम ये इसको हटा देते हैं कलर, और यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यूज, ठीक है, कहाँ से, 0 to 100 वैल्यूज होती हैं, फाइन। तो मैं यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने दे दिया 20, 30, 40, देन आपका 50, 60, 70 ठीक है, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 मार्कर्स हैं, उनके लिए मैंने कलर स्पेसिफाई कर दिया है, ओके। एंड यहाँ पे मैंने सी मैप दे दिया है, सी मैप, और उसकी वैल्यू मैंने दे दी है विरिडिस, विच इज द डिफॉल्ट कलर मैप, ओके। है हमें कलर बार शो कराने के लिए plt.colorbar फंक्शन भी देना होगा, कलर बार फंक्शन, राइट, plt.colorbar, ओके। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट, ओके, फाइन। नाउ लुक एट द पिक्चर, ओके। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे देखो, जहां पे 20 है वहां पे ये कलर आ गया आपका, राइट, ओके। 30 पे आपका ये कलर आएगा, कलर बार भी आया है जो आपका शो कर रहा है कलर्स, ओके। 40 पे आपका ये कलर है, 50 पे आपका दिस कलर, 60 दिस कलर, एंड 70 दिस कलर, राइट। तो यहाँ पे आपने कलर बार को भी शो कर दिया है, ओके। एंड यहाँ पे आपने सी मैप, ओके, पैरामीटर की हेल्प से क्या किया है, कलर्स दिए हैं मार्कर्स को, फाइन, ओके। आप डिफरेंट डिफरेंट सी मैप्स यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिफॉल्ट लिया था विरिडिस, राइट। मैं कोई और यूज करना चाहती हूँ तो मैं कोई और भी यूज कर सकती हूँ, जैसे हम ले लेंगे डिफरेंट डिफरेंट होते, जैसे मैं ले लिया एसेंट, एसेंट, राइट। नाउ एग्जीक्यूट दिस,
फाइन। तो देखो यहाँ पे एसेंट जो आपका कलर मैप है, सी मैप है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। ओके आप और भी ले सकते हो, आप ले लो यहाँ पर ब्लूज, फाइन। तो यहाँ पे पूरी टेबल होती है सी मैप की, ठीक है। ओके कलर मैप की पूरी टेबल होती है, आप उसमें से कोई भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया ब्लूज, फाइन। ओके यहाँ पे आप उसको एग्जीक्यूट करो, ये आपको डिफरेंट कलर प्रोवाइड करेगा। ओके वन मोर, एक और एग्जाम्पल हम लेके इसमें देख लेते हैं, फाइन। हमने ले लिया ग्रीन्स, ग्रीन्स ले लिया, फाइन। इसको एग्जीक्यूट करो, देखो ऑलमोस्ट ये सारे ग्रीन्स है, ब्लूज में सारा ब्लू था। ओके ग्रेज ले लेते हैं, डार्क मतलब एक और ले लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट करेंगे पैरामीटर। ग्रेज ले लिया, इसमें देखो ऑलमोस्ट सारे कलर क्या होंगे, ग्रे ग्रे फॉर्म में होंगे, फाइन। ठीक है, तो ये हमने क्या, आप सी मैप में टेबल होती है उसका, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में कलर्स को दे सकते हो, फाइन। अब मैं ये चाहती हूँ, यहाँ पर देखो मेरी कलर बार आई है, मैं कलर बार को भी टाइटल देना चाहती हूँ, फाइन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मेरे कलर बार को मैं एक वेरिएबल दे देती हूँ, टी दे दिया, लेट अस सपोज। ओके ओके नाउ मैं अब टी के साथ कर देती हूँ वैल्यू को सेट, टी डॉट सेट लेबल, सेट लेबल, और इसका हम नेम रख देते हैं कलर बार, क्योंकि ये कलर बार ही है, कलर बार। ओके एंड इसका भी फॉन्ट साइज हम दे देंगे 15, राइट इसका भी फॉन्ट साइज हमने दे दिया 15। ओके तो हमने क्या किया, कलर बार को भी एक लेबल दे दिया है यहाँ पर, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फाइन। तो आप यहाँ पे देखो कलर बार का भी लेबल आ गया है, सी यहाँ पे कलर बार का भी लेबल आ गया है, फाइन। ओके अब मैं क्या चाहती हूँ, इसी प्लॉट के अंदर मैं एक दूसरे डेटा को भी प्लॉट करना चाहती हूँ, ठीक है। मल्टीपल प्लॉट्स आप सेम फिगर के अंदर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल और ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया जी। ओके और इसमें हम वैल्यूज दे देते हैं 11, ओके 13, 15, 17, 18 एंड 19, राइट। मैंने इसकी वैल्यू ले ली है, फाइन। अब इसको भी हमें प्लॉट करना है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीपल स्कैटर्स चार्ट बना रहे हैं, ओके। PLT डॉट स्कैटर फंक्शन का आप यूज करोगे, PLT डॉट स्कैटर, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x एक्सिस को पास कर दिया एंड z को पास कर दिया, फाइन। कलर में मैंने कलर को ही ले लिया है यहाँ पर, राइट, ओके। एंड s में मैंने साइज को ले लिया, यहाँ पे आप साइज ले लो, फाइन। एंड मार्कर, मार्कर मार्कर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, प्लस ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस ले लिया मार्कर, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। नो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस थी वो प्लॉट हो रही है, और यहाँ पे आपकी सेकेंड सिक्वेंस प्लॉट हो रही है, फाइन। तो आपने एक चार्ट के अंदर दो सिक्वेंस को क्या किया है, प्लॉट करा दिया है, फाइन। ऐसे ही आप नंबर ऑफ सीक्वेंसेस को एक ही स्कैटर प्लॉट के अंदर आप क्या कर सकते हो, टू सीक्वेंसेस, थ्री सीक्वेंसेस, फोर सीक्वेंसेस, उनको प्लॉट करा सकते हो, राइट। ओके सो हियर वी हैव डन स्कैटर चार्ट, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक।